हेलो गाइस, आई एम नरसिंह एंड आज मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और हाँ, ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट गुरु घासीदास का सबसे लास्ट डिपार्टमेंट है। ये लास्ट यानी कि सबसे लास्ट में है। और मैं आज आपको पूरा जियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा है, क्या है, कौन कहाँ पे बैठता है, क्लास कहाँ होता है, सब कुछ बताने जा रहा हूँ। चलो लेट्स गो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी जाने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ नरसिंह महानंद, यहाँ के MSc फाइनल ईयर यानी कि फोर्थ सेम में पढ़ता हूँ। और ये है मेरा दोस्त भारद्वाज, कैमरा मैन अभिज्योति है। चलो अब मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी कैसे चलता है और यहाँ क्लासेस वगैरह कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का क्लास सेशन। यहाँ क्लास लगते हैं और यहाँ ऑफिस भी है। चलो दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का ऑफिस। यहाँ पर बेसिकली हमारे ऑफिस रिलेटेड जैसे कि एडमिशन वगैरह सब नोटिस निकलना यहाँ पर ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहले हमारा ऑफिस, उसके बाद क्लासेस। बस दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट क्लास। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ के क्लासेस कैसा है, यहाँ कैसे फैसिलिटीज है। फ्रेंड्स, ये है मेरे फ्रेंड्स मंजू आशीष तरीका। यहाँ पर हम ग्रुप स्टडीज कर सकते हैं। आप यहाँ पर वाईफाई का फैसिलिटीज है, आप अपने यहाँ लैपटॉप्स वगैरह ला के वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में लेने जा रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पर क्लास हो रहा है तो नहीं जा सकते। तो दोस्तों, यह है जियोलॉजी डिपार्टमेंट का लास्ट क्लास। ये क्लास दरअसल बहुत बड़ा है, यहाँ करीब 100 आदमी पढ़ स्टूडेंट है। और यहाँ पर ऑल द इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज एंड वाईफाई फैसिलिटीज एंड आल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ अवेलेबल है। सी इज आवर क्लासमेट सिमरन। सिमरन के बारे में जो मैं अपने एक और फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ जो कि अभी पढ़ रही है, हालांकि मैं इसको डिस्टर्ब किया हूँ। ये है भारद्वाज।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लेने वाला हूँ प्रोफेसर लोगों के कैबिन एंड हमारा लैब, और यहाँ पर पीएचडी का भी लैब है और यहाँ पीएचडी स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। दोस्तों ये है हमारी फेवरेट मैम प्रोफेसर मोनिका भदौरिया, मैं उनके कैबिन में इसलिए आया हूँ आपको, आप यहाँ अच्छे से उनके सुंदर कैबिन देख सकते हैं। और ये ऑल्सो ये पीएचडी का लैब भी है, अगर आप टॉक्सिकोलॉजी लेना चाहते हैं तो ये इट इज द बेस्ट स्पेशलाइजेशन। तो दोस्तों मैं आपको ले आया हूँ टॉक्सिकोलॉजी लैब। जी हाँ, हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट में ये एक ऐसा लैब है जहाँ सब कुछ अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट टॉक्सिकोलॉजी लैब में ही होता है। अगर आप एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन टॉक्सिकोलॉजी लेंगे तो आपको यहाँ लैब में काम करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये है हमारा जेब्रा फिश, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो दोस्तों अगर आप कभी पोस्टर कंपटीशन में अगर हिस्सा लेना चाहें तो आप ऐसे ही पोस्टर बना सकते हैं। बेसिकली एक पोस्टर है जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया है, जी बनाया गया है हमारे पीएचडी स्कॉलर्स बाय संगीता एडिंग। तो दोस्तों मैं आपको अभी अपने यूजी एंड पीजी लैब में देने वाला हूँ जो कि बहुत अच्छा है। मुझे पता चला कि लैब में एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ के एग्ज़ाम में सारे स्टूडेंट अंदर और बैग बाहर होना पड़ रहा है, तो ये सब अपने बाहर बैग को बाहर रख के अंदर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलो तो दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए मैं अंदर से लैब को दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको लैब को बाहर से दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेरे फ्रेंड्स से इनका प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये लोग मछली के ऊपर काम कर रहे हैं। दिस इज प्रज्ञा, प्रज्ञा से हाय। लतिका, ये मेरा जिगर दोस्त है। ये हमारा एक्वेरियम है जिस मछली के ऊपर हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये मछली बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारा डिजेक्टेशन कैसा होगा।
और ये हमारे जूनियर्स भाई लोग ये हैं हमारे फाल्गुनी सर, पीएचडी स्कॉलर, ये हैं मानस सर और ये हैं उदित सर, हमें गाइड करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जूलॉजी डिपार्टमेंट, अगर आप यहाँ एडमिशन करना चाहते हैं तो सी यू टू की थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।